कोई मेरी पहचान का नहीं है। माइक ले कर रहा है मैं अभी अभी आई हूँ सो मुझे एक्सपीरियंस लेना है माई डेली रूटीन आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ और मैं सनस्क्रीन हमेशा लगाती हूँ एंड या वंस अ मंथ कुछ स्किन ट्रीटमेंट भी कर ही लेती हूँ सो दैट्स द वे टू कीप अप एंड ऑफ कोर्स वर्कआउट सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स so since this is Ayurvedic I think it's going to be very very effective I have not used it so I'm going to use it and I'm going to take it home and then review it but obviously because ye Ayurvedic hai so this is more natural and you know we all want to use more and more natural products because main bahut careful rehti hu ki kaun sa product meri skin pe ja raha hai and I actually promote a lot of you know non-artificial products basically yeah. Can you share your bond with Vipul sir? I did a show with Vipul and since then we've been friends I did a show called Salaam Zindagi Vipul and Abhay Vakil Parinita and so we were a lot of like friends together and it was fun to shoot kids show tha matlab wo youngsters ka show tha and since then we've been like very close friends Any particular tips that you want to give the audience to be fit? To be fit, workout, stay as happy as you can, and get a body. Yeah, that's important. Anything in pipeline? Anything in pipeline? No, nothing in pipeline. But you'll hear something soon. Yeah. Thank you. Well, skin care, sir, ke mausam mein bata hai. You have to look very beautiful because we are staying in a very competitive world. तो ऑब्वियसली मैं अपने स्किन को बहुत बहुत ख्याल रखता हूँ उस चीज़ को एंड जब लोग कहते हैं ना कि यू हैव टू एज ग्रेसफुली सो ऑफ कोर्स यू नो अगर आप अपने स्किन का ख्याल नहीं रखोगे तो आप लोगों को आकर्षित कैसे करोगे और मेरी तो काम है लोगों को आकर्षित करना I'm sorry? Well, first of all, you know, I guess Bombay has got a lot of humidity, but of course you have to take care of your skin. Like I travel in a car, even if I'm traveling, I'm on the roads, running, jogging, I come back home, take care of my skin. I wash my face 2 times with a face wash, using organic stuff. You know, लोग कहते थे ना कि हम लोग बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स को बहुत अडेप्ट कर रहे हैं पर जो हमारे जो दादी के नुस्खे होते थे जो हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़ के आए थे आयुर्वेदिक जो है आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग वाज आई बीन यूजिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 3-4 इयर्स नाउ एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट जी मैंने वो ऑयल ट्राई किया है विच इज़ रियली वेरी गुड एंड आज रात को मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा और आपको उसका फीडबैक जरूर दूंगा इंस्टाग्राम में थैंक यू भाई But I think I've already answered that. When I talk about nature and things, so of course, आपको याद आता है कि आप किस तरह की जड़ी बूटियों के से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो किस तरह से आप नेचर को अडॉप्ट करते हो बहुत सारे प्लांट्स हैं यू नो लाइक वी हैव गॉट एलोवेरा प्लांट इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन यू यूज सो ऑफ कोर्स नेचर ऑलवेज कम हैंड इन हैंड एंड इट ऑलवेज नरिशेस यू एंड मेक्स यू लुक वेरी गुड I'm sorry. You have given so much time to this fraternity और बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। आपके हिसाब से किस एक्टर ने ऐसे केमिकली हेल्प लेकर अपने आप को ग्रो किया और वो बहुत खूबसूरत लगने लगे? I think Rekha is the biggest example.
रेखा जी जो हैं वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं वो सब ऑर्गेनिक करती हैं, और ऐसे बहुत से स्टार्स लोग खुल के बात नहीं करते हैं, यू नो, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है अमेरिका में, वो अपने एक स्टोर चलाती हैं मिली रिचर्डसन, तो वो जब उन लोगों का जो फेशियल करती हैं वो सब बेसन से, उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स डालती हैं, पीपल गो वेरी क्रेजी फॉर दैट, बिकॉज यू नो जैसे हमारा हल्दी टैमरिंड है, ओके, तो टैमरिंड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट यू नो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने और ओल्ड लोगों ने ये जो नुस्खे निकाले थे वो बहुत स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. वी ऑल कम फ्रॉम अ कंट्री, यू नो, वी हैव गॉट सो मच टू ऑफर, लाइक इन इंडिया वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सो मेनी ऑथेंटिसिटी इज देयर इन अ कंट्री. तो आई थिंक वी आर, डू यू फील इट दिस इज अ हाई टाइम फॉर अ पीपल टू अंडरस्टैंड कि इवन मेंस कैन टेक केयर ऑफ देयर स्किन स्पेशली इन दिस फ्रेटर्निटी. I think so. It's not a high time. It's almost like from 15 years, men are taking care of themselves. Before men, you come in front and talk about it. See, a lot of people. See, I'm been very vocal about what I do. Even if I'm doing a PRP or if I'm doing any kind of surgery, मैंने बहुत खुल के बोला है उसके बारे में. Because कोई शर्म नहीं है, किसको सबको खूबसूरत लगना है, सबको ब्यूटीफुल लगना है, सब किसी को बुढ़ा नहीं होना है, सबको everybody wants to be die young. So because of social media, जिस तरह से हम जिस एटमोसफियर से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम सबको खूबसूरत लग रहा है, हम सबको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. तो ऑब्वियसली कोई लोग खुल के बात करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं मेरे तरह, कोई खुल के बात नहीं करते. तो अगर आप मेरा इंस्टा स्टोरी भी देखोगे, अगर मैं PRP भी कराता हूँ तो मैंने खुल के मैं डालता हूँ, इट्स नो हार्म इन टॉकिंग अबाउट इट कि व्हाट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. प्रोडक्ट्स या वेल ऑब्वियसली आज मैं मेरी फ्रेंड विपुल को लाइक सपोर्ट करने आई हूँ एंड डॉक्टर राधिका हु इज़ द प्राउड ओनर ऑफ दिस क्लिनिक. या मैंने प्रोडक्ट्स देखे एंड जब विपुल ने मुझे ये बताया वॉज लाइक रियली सरप्राइज्ड बिकॉज आई नो दिस क्लिनिक इवन आई यूज टू वर्क विद देम फ्रॉम 6 years एंड डॉक्टर राधिका इज़ लाइक फैमिली, विपुल इज़ लाइक फैमिली, बट एंड नाउ दे कोलैबोरेटेड, इट्स रियली अ गुड न्यूज़. मैंने देखे प्रोडक्ट्स एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी बिकॉज वी गोइंग the natural way, Ayurvedic. So I think that's really nice. How does it feel you have given so much care to this fraternity? Aur kis had tak ki baat jaiz hai ki actors ko natural dikhne ke liye in products ka sahara lena padta hai? वेल एक्टर्स को तो ऑब्वियसली हमेशा अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ द होल डिमांड ऑफ दिस फील्ड, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. सो दैट इज़ वाई लाइक आई रियली प्रमोट दिस क्लिनिक अलॉट RSP बिकॉज डॉक्टर राधिका शी इज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स इन बांद्रा एंड हर सर्विसेज आर एक्सलेंट. इनफैक्ट व्हेन आई हैव ऑल्सो प्रमोटेड बहुत सारे एक्टर्स यहाँ आए हैं एंड दे हैव बीन ओवर द ईयर्स like using her services which are really good for your skin, for your hair, laser treatments, everything. But jaise ki aapko pata hai Mumbai mein humid zyada badh gayi, aap kaise apne aap ko matlab acche se rakh lete hain? See, see me rehti hu amigo warna main mar jaungi. No, honestly garmi bahut zyada bardasht ke bahar ho gayi hai. So try to keep it light, just wearing these floral clothes, light makeup, and seriously can't live without the AC, some nariyal pani and fruits, lots of fruits. So that's how I'm keeping myself cool. Jaldi aap fans ko kahan nazar aa? Sorry? Jaldi aap fans ko kahan nazar aa? Well, pray for me. I mean, I want you guys to keep me in your prayers because I'm doing a lot of meetings regarding OTT. My next goal will definitely be OTT. I think aap bahut jald mujhe kahin dekhenge. Thank you. Thank you. Thank you. natural beauty.
सबसे पहले तो सर वेलकम टू क्या कहना चाहोगे यहाँ मैं बोली थी जनता में तो सबसे पहले जनरल एलिमेंट्स के बारे में सुनते हैं सबसे पहला ख्याल क्या है सबसे पहला ख्याल तो जंगल के बारे में आया और जंगल के जानवरों के बारे में आया लेकिन ये विपुल ने मुझे बताया कि ये इसने विपुल ने शुरू किया है जंगल एलिमेंट्स के नाम से एंड इट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स दे डोंट रियली हार्म और दे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो ऑलवेज आपके स्किन के लिए अच्छे हैं आपके शरीर के लिए अच्छे हैं तो जब मुझे पता चला कि इतना नज़दीकी दोस्त मेरा विपुल ये काम शुरू कर रहा है आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज एक तो नॉलेज होती है और विपुल मुझे ये पता है कि वो जो भी काम हाथ में लेता है तो बहुत डीप उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद ही कोई चीज़ में वेंचर करता है तो मुझे इस बात की खुशी थी कि ये नॉलेज अब विपुल को तो सारी है मुझे जो सवाल पूछने होंगे स्किन से रिलेटेड या आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं डायरेक्टली विपुल से पूछ सकता हूँ और मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा सो आई एम रियली हैप्पी दैट या दैट ही इज़ कम अप विद दिस जंगल एलिमेंट्स तो हमारा बड़ा पुराना बॉन्ड है मैं एक शो किया करता था FIR सबको पता होगा FIR के बारे में तो विपुल FIR में भी था मतलब मैंने तो बहुत सालों किया विपुल वॉज अराउंड फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम तो हमारी दोस्ती वहाँ से हुई उसके बाद एक पार्टनर्स नाम का हमने शो किया जो काफ़ी वक्त तक किया हमने और पार्टनर्स में मैं और विपुल ही थे वो दो पार्टनर्स और तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया और विपुल का मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर बंदा है और वो एक चीज़ जिसके अंदर घुसता है तो दिलो जान से घुसता है तो चाहे वो बिजनेस हो या कोई एक्टिंग वेंचर हो या कोई और काम हो उसका कोई भी काम हो वो बड़ी शिद्दत से और दिल से करता है सो आई मीन आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम इन वॉट एवर ही इज़ डूइंग बिकॉज आई नो दैट ही डज इट विद ऑल हिज हार्ट काफ़ी लोग ना बिजनेस और काम की बातें करते हैं लेकिन मतलब एक वो ग्लैमरस साइड देखते हैं विपुल उससे अंदर जाके पूरा चीज़ को गहराई से समझता है तो ये मुझे अच्छा लगता है सो जनरली सो हमारा बॉन्ड तो खैर बहुत पुराना है सालों पुराना है एंड वी बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और हम बातें करते रहते हैं मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में एक बार हमारा फ़ोन कॉल एक दूसरे को चला ही जाता है कि क्या कर रहे हो भाई हो क्या रहा है चल क्या रहा है तो ये बातें तो हमारी चलती रहती हैं बट आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम सबके फेवरेट सबके चाहने वाले आपको कितना चाहते हैं अलग अलग किरदारों में आप उनको देखते हैं आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखते हैं क्योंकि आपको कभी लेडीज़ के किरदारों में भी देखता है उसमें हाई मेकअप लगता है और किस तरह से आप देखिए ये जो मेंटेन वाला शब्द है वैसे मुझे ज़्यादा बिलोंग तो नहीं करता क्योंकि मैं अपने आप को कोई खास मेंटेन कर नहीं पाता जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन जैसा आपने कहा कि वो है सच्चाई कि मैं काफ़ी कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ आए दिन बड़ी बड़ी लाइटों के सामने हम खड़े रहते हैं ये जो लाइटों के सामने हम काम करते हैं उससे भी आपकी स्किन को बड़ा अफेक्ट होता है तो इस चीज़ों को लेकर बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और मैं जैसे पहले भी मैं कहता हूँ कि एक एज भी है और एक एज के बाद आपके शरीर में रिएक्शंस होंगे आपके स्किन में चीज़ें बदलती हैं एक सर्टिन एज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लेकिन अब बहुत फ़र्क पड़ता है तो इसलिए अब थोड़ा केयरफुल रहना ज़्यादा ज़रूरी है और वही वो लेडीज़ मेकअप करते हैं तो वो मेकअप करने में करीब मुझे 45 मिनट्स टू 50 मिनट या एक घंटा तो मुझे खाली मेकअप करने में लगता है तो जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो अपने स्किन पे आए दिन अलग अलग चीज़ें आपकी स्किन को छूती है जब आप यू नो रोज शूटिंग का काम कर रहे हैं तो सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी अश्योरेंस वाला एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि भाई ये अपने को पता है ये चीज़ आपकी स्किन को कभी ख़राब नहीं कर सकती या आपके कोई रिएक्ट नहीं करेगी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सो वो ज़रूरी है और सर जो शो से रिलेटेड जो हाल ही में न्यूज़ आ गई बंद होने की रैप अप पार्टी हुआ कि उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन नहीं नहीं ये तो पता नहीं किसने क्या न्यूज़ निकाल दी हमारा खैर इसके बारे में अभी नो कमेंट्स ये न्यूज़ तो गलत है खैर कुछ हमारे एपिसोड्स तो आ रहे हैं आप देखो हमने वापस अभी इंस्टाग्राम पे भी डाला है कि वी हैव अ लॉट ऑफ एपिसोड्स कमिंग अप हमारा हीरा मंडी वाला एपिसोड कल टेलीकास्ट हुआ है हमारा अगला एपिसोड एड शीरन के साथ है जो आने वाला है और उसके आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बैक टू बैक हमने शूट कर लिए हैं तो इसलिए आते रहेंगे एपिसोड्स आप कोई टेंशन ना लें कुछ बंद नहीं हुआ है आप कैसे ट्रोलिंग को देखते हो क्योंकि आजकल ट्रोलिंग इज बहुत कॉमन हो गया किसी भी चीज़ को जैसे कपिल शर्मा शो को ही लेके बहुत कुछ बोला जा रहा है कि सोनी से मतलब नेटफ्लिक्स पे चल भी नहीं रहा और बंद भी हो रहा है क्या कहना है नहीं पर चलिए मैं वही कह रहा हूँ इसके बारे में अभी नो कमेंट्स मेरी तरफ से ये आप नेटफ्लिक्स से बात कर सकते हैं इसके बारे में बट या ऑलराइट थैंक यू हैप्पी
Happy Mother's Day. Yeah, the doctor. Yeah, I'm a fitness freak myself. Yes.